वाली सिंधी आबादी को मुकम्मल सिंधी नहीं बनना तो नई सिंधी आबादी वालों का अलग सूबा बना दिया जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन आज मैं कराची में मौजूद हूं और ये 90 है जहां मैं बैठा हूं। मुझे आज यहां आना था, ये बहुत सारे अखबार हैं, इन सब में खबरें छपी हुई हैं और बहुत सारे अखबार ऐसे हैं, इतने अखबारों में छपी हैं, इतने टेलीविज़न चैनल पर चली हैं। कल जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा उसके बाद यहाँ आना ज़रूरी था, यहाँ आके किसी जिम्मेदार से बात करना ज़रूरी था। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपका जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। फारूक सत्तार साहब डायरेक्ट वहीं से आ जाता हूँ कि ये सारे अखबार आपने खबरें छापी हैं और अब आपकी तरदीद आ रही है कि ऐसा तो कहा ही नहीं। पहली बात तो हमने कोई तरदीद नहीं की, दूसरी बात हमने कोई माजरत खाहाना लहजा भी इख्तियार नहीं किया। हमने तो ये कहा है कि अल्ताफ़ भाई ने जो कहा है उसको हमने रिपीट किया है और अल्ताफ़ भाई ने उर्दू बोलने वाले सिंधियों के लिए अगर सूबे की कोई बात की है तो अल्ताफ़ भाई ने मुतालबा नहीं किया। अल्ताफ़ भाई ने नहीं कहा कि ये सूबा बनाने की हम तहरीक शुरू कर रहे हैं और सूबा बनाएं। अल्ताफ़ भाई ने तो ये कहा अल्ताफ़ भाई ने तो ये कहा कि ऐसी पॉलिसियां वजा की जा रही हैं, इतनी नाइंसाफियां हो रही हैं, सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, उनका एहसास महरूमी तेजी से एहसास बेगानगी में तब्दील हो रहा है और जब किसी तबके का एहसास महरूमी एहसास बेगानगी में तब्दील हो जाए, जब उन्हें वाज़े तौर पर यह महसूस हो जाए कि उन्हें दिल से तस्लीम नहीं किया जा रहा, कहीं उनका फर्जंद ज़मीन होना ना होना उस बारे में कोई सवाल है, कोई शक व शुबा है, उनकी वसाइल की तकसीम में उनको उनका जायज़ हिस्सा नहीं मिल रहा, इंतजामी मामलात में उन्हें उनका शेयर नहीं मिल रहा, सियासी मामलात में उन्हें उनकी नुमाइंदगी नहीं मिल रही, एक अरसे से पूरे मुल्क को मर्दुम शुमारी से महरूम रखा गया है और उस मर्दुम शुमारी का सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान की सियासत पर, मईशत पर और माशरत पर असर आना है तो वो सिंध की आबादी और शहरी और दही की आबादी से उसमें कोई फर्क आना है तो इसको क्या किसी साजिश के तहत रोक कर रखा गया है? किसी तबके को उसके जायज हुकूक, ये तो सारी चीजें पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं डॉक्टर साहब। नहीं, ये तो चीजें पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, लोग हर जगह शिकायत कर रहे हैं, गरीब आदमी अमीर और गरीब की भी एक अलग से एक तफरीक पड़ी हुई है। देखिए ना, बात अलग सूबे से अलहदा मुल्क तक जा सकती है, ये बात अल्ताफ़ हुसैन साहब कह रहे हैं। देखिये, कैद तहरीक अल्ताफ़ भाई ने यह बात कही है कि